जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी का सब्जी बनाएंगे। आज हम मिट्टी के बर्तन में पत्ता गोभी का सब्जी बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाने से बहुत टेस्टी बनता है, वैसे आप कोई भी बर्तन में बना सकते हैं। अब बर्तन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें तेल रखेंगे। सरसों तेल में सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तेल को गरम होने देंगे। अब तेल हमारा गरम हो गया है, अब ये साबुत सौंफ है वो रखेंगे, साबुत जीरा रखेंगे। फोरन को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब फोरन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब प्याज रखेंगे, हरी मिर्च रखेंगे। अब ये अदरक लहसुन और हींग को हमने इसी में बारीक कर लिए थे, अब ये रख देंगे और हल्का ब्राउन कलर होने तक भुनेंगे। मेथी का पत्ता रखेंगे, पत्ता गोभी रखेंगे। अब 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 2 मिनट हो गया है, पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत पानी अपने आप हो जाता है। इस तरह से नमक रखेंगे, अब मिक्स कर देंगे नमक को पत्ता गोभी के साथ। अब ये हरा मटर रख देंगे, अब टमाटर रखेंगे, मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर रखेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला गोल मिर्च पाउडर। अब इन सब मसाला को सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। अब मसाला हमारा सब्जी के साथ मिक्स हो गया है, अब ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी सब्जी को पकने में 5 से 10 मिनट का और टाइम लगेगा। अब ये आलू रखेंगे, ये बॉईल किया हुआ आलू है, आप इसमें कच्चा आलू भी रख सकते हैं छिलका हटा कर। इस तरह से तोड़ लेंगे, मिक्स कर देंगे गोभी को और इसमें ज़रूरत पड़ने से पानी रखेंगे। गोभी से अपने आप बहुत सारा पानी निकलता है, उसी से सब्जी हमारा बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं रखेंगे। अब सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और ये धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे इस तरह से। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।